हेलो एंड वेलकम टू ऑल सर, थैंक यू सो मच अगेन आपका और इस चैनल पर भी और आपका कीमती समय देने के लिए भी कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना समय निकाला और हर वीडियो में आप हमें थोड़ा समय देते हैं. आई एम वेरी हैप्पी और साथ में व्यूअर्स भी हमारे बहुत खुश हैं, वो थैंक्स भी भेजते हैं आप. थैंक यू. तो सर, आज जो हम व्यूअर्स को बता दें कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे, वो आज हम TMJ प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे. तो क्या है ये प्रॉब्लम और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे. तो सर, ये जो एक प्रॉब्लम है, TMJ प्रॉब्लम एंड क्लिकिंग एंड पॉपिंग ऑफ जॉ, जिसे हिंदी में अगर हम कहें तो ये एक प्रॉब्लम है जबड़े से कट कट की आवाज़ आना और जबड़े का ब्लॉक हो जाना या फिर मूवमेंट में परेशानी होने की समस्या. तो इसका क्या कारण है और इसका क्या निदान हो सकता है, तो इस बारे में सर हमें जरा विस्तार से बताइएगा आज. तो सबसे पहले तो सर हमें यही बताइए कि ये TMJ प्रॉब्लम, जो जबड़े से आवाज़ आती है, ये क्या है. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट स्कल की, सर की टेम्पोरल बोन और निचले जबड़े की मैंडिबल बोन के जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे जा जो है मूवमेंट करता है, उसको कहते हैं. ठीक है, मैंडिबल का जो कॉन्डाइल होता है, ऊपर का गोल हिस्सा होता है, सर की टेम्पोरल फोसा के अंदर मूव करता है, जिसको हम एक बॉल एंड सॉकेट का भी उदाहरण के जरिए कह सकते हैं कि ऊपर का जबड़े की हड्डी सॉकेट की तरह होती है, नीचे की एक बॉल की तरह होती है, और उस सॉकेट में वो बोन जब मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं या खाने के लिए मुंह को चलाते हैं, तो वो उसमें मूवमेंट करती है. इसके ज़रिए ही जबड़ा खुलता है और जबड़ा बंद हो जाता है. ओके. इसमें ही कभी कभी स्वेलिंग होना या लूज हो जाना के कारण से ये कटकट की आवाज़ आती है, क्लिक एंड पॉपिंग होती है. ओके. इस टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट के मेन फीचर जो है, मेन खासियत जो है, वो उसकी आर्टिकुलर डिस्क होती है. okay. जो एक कुशन की तरह इन दोनों बोन के बीच में फिक्स होती है. जब हम जबड़े को चलाते हैं तो वो बोन आपस में नहीं रगड़ती हैं, वो आर्टिकुलर डिस्क जो है वो एक कुशन की तरह वो दोनों बोन के बीच में लगी रहती है. okay. जो कि एक इलास्टिक और फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होती है. okay. अगर वो ना हो तो वहाँ पे बोन ग्राइंडिंग होने लगेगी. अच्छा, ठीक है, घर्षण होने लगेगा. घर्षण होने लगेगा. वो आर्टिकुलर डिस्क ही बहुत ही यूनिक चीज़ है, उसी के जरिए हम उस प्रॉब्लम से बचते हैं. क्योंकि उस आर्टिकुलर डिस्क जो है, उसके जो सेंटर में जो उनके बीच में पैड की तरह लगी होती है, वो नर्व एंडिंग और ब्लड वेसल्स रहित होती है, उसमें नर्व एंडिंग नहीं होती. तो वो जब जबड़ा चलाते हैं, चबाते हैं, तो उसमें दर्द फील नहीं होता. ओके. लेकिन कभी कभी हम जब बड़ा मुंह खोल देते हैं, तो वो जो कॉन्डाइल है, जो नीचे जबड़े की गोल हिस्सा है, वो सॉकेट से बाहर आता है. ओके. तो बाहर आने के साथ वो डिस्क को ही अपने साथ बाहर ले आता है. ओके. जब वो डिस्क को बाहर ले आता है, तो डिस्क के आगे और पीछे जो टिश्यूज होते हैं, तो वो नर्व एंडिंग से भरपूर होते हैं, वो उस ज्वाइंट के बीच में आ जाते हैं, जिस कारण से जैसे ही हम मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वो टिश्यूज दबने लगते हैं, तो पेन होना शुरू हो जाता है. और अगर हम जब मुंह को बंद करते हैं तो वो डिस्क फिर अंदर आ जाती है, तो वो दर्द गायब हो जाता है. ठीक है. तो अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो डिस्क बाहर आई और फिर जैसे ही उसको अंदर की तरफ कॉन्डाइल जाना चाहता है, बोन जाना चाहती है, तो इस प्रक्रिया में जैसे ही बोन उस सॉकेट के बाहर जाती है और फिर अंदर आती है, तो कट कट या पॉपिंग की आवाज़ आती है. अच्छा, कुछ केसेस में देखा जाता है कि जब कभी जमाई ज़्यादा तेज आ जाती है और लोग ज़्यादा बड़ा मुंह खोल लेते हैं, तब भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों का मुंह खुला भी रह जाता है कभी कभी. और या अगर नहीं भी खुला है तो उनके मुंह में या जॉ में इतना ज़्यादा यहाँ पर जबड़े में पेन होता है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है. हाँ, मुँह को, माउथ ओपनिंग जो है 20 मिलीमीटर तक अगर हम खोलें, कम खुला रहे, तो वो बोन सॉकेट के अंदर ही मूव करती है. okay. ये स्थिति नहीं बनती है. लेकिन 20 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा मुंह खुलने लगते हैं, तो वो सॉकेट के बाहर बोन आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो सॉकेट के बाहर आती है, तो वो डिस्क बाहर निकल जाती है. और अगर वो डिस्क बाहर दोबारा से नहीं आ सकी सॉकेट के अंदर, तो
पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है, दर्द होता रहता है, मगर ऐसा है कि कुछ समय पश्चात ये अगर स्थिति बनी रहती है, फॉर्चुनेटली ये एक सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है, अगर कुछ समय तक वो समस्या बनी है और अगर इस कोई भी इंसान उसको कुछ सावधानियां बरते, मुंह को कम खोले, थोड़ी दवाओं का सहारा ले ले, तो वो समस्या धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो उस डिस्क के पीछे के स्कार जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक स्कार टिश्यू में बदल जाते हैं, धीरे धीरे वही टिश्यू जो है उस कुशन की तरह आर्टिकुलर डिस्क की तरह ही वर्क करने लगते हैं और दर्द होने की समस्या धीरे 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 कम हो जाती है। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्यों है या किन परिस्थितियों में हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा बड़ा मुँह खोलेंगे तो वो मैंडुलर बोन का कॉन्डाइल है जो गोल पार्ट ऊपर का है वो सॉकेट से बाहर आता है, उस बाहर आने के साथ ही वो डिस्क भी बाहर चली जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बड़ा मुँह नहीं खोलता है तब जनरली क्या ये स्थिति लोगों में आ जाती है? किसी ऐसे केस में कि चोट लग जाए, अच्छा, या वो ज़्यादा हार्ड चीज़ें चबा रहे हैं जिससे कि वहाँ पे स्वेलिंग डेवलप हो जाती है तो समस्या आती है। ओके, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो क्या ये किसी जॉब के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है? कोई भी ऐसा मेडिकल जिसमें मेडिकल होता है तो उसमें ऐसा है कि कोई इंसान सही से खा चबा नहीं सकेगा, सही से मूड़ी बंद कर सकेगा, तो हर काम करने में उसको दिक्कत आएगी, इस वजह से उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा तो दिक्कत पैदा हो सकती है, तो इसको प्रॉपर इसका मैनेजमेंट करके ही तब वहाँ जाए उतना जाए या रहना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें इसके तो कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए आसानी से और अच्छा एक ट्रीटमेंट जहाँ हमें मिल जाए? किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो असेसमेंट कर लेगा कि आपको क्या समस्या हो रही है, अगर जबड़ा लॉक हो गया है तो उसको दोबारा से सेट कर देगा वो। कभी कभी वो बोन बाहर फंसी रह जाती है, जबड़ा लॉक हो जाता है, मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, तो किसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो दोबारा से उसको सेट कर देगा और आपको फिर प्रिकॉशन बताएगा कुछ मेडिसिन के जरिए स्वेलिंग के लिए, पेन के लिए आपको दवा दे के, और आप उससे आप उसका प्रिकॉशन लेंगे वो समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये दोबारा अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें और केयर करें और ये जो ट्रीटमेंट अगर मिलता है या जो भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आई थिंक सो कि ये दोबारा नहीं होगी ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर, पूरी तरह से समस्या खत्म नहीं होगी तो लेकिन काफ़ी हद तक आराम महसूस होने लगेगा, उसमें कुछ समय पश्चात दर्द होना कम हो जाएगा, आवाज़ आना कम हो जाएगी, लेकिन मुंह कम खुलने की समस्या बनी रह सकती है जिसे लॉक्ड जॉ कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए यही है कि आप सॉफ्ट खाना खाना है, हार्ड चीज़ों को नहीं चबाना है, जबड़े को अपने रिलैक्स रखना है, जब आप कुछ ना खा रहे हो तो अपने लिप्स को मिलाए रहना है, दांतों को दूर रखना है, दांतों की क्लिंचिंग एंड ग्राइंडिंग नहीं करना है, क्लिंचिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे तो जॉइंट पे फिर प्रेशर पड़ेगा, आपको समस्या हो सकती है। तो यही है कि आप अपने जब भी आप फ्री हो या कुछ खा रहे हो तो सॉफ्ट खाना खाएं, हार्ड चीज़ों को ना चबाएं, लिप्स को मिलाए रहें, दांतों को आपस में ना मिलाए रहें, ओके, रेगुलर वे में ज्वाइंट के पास में मसाज करें, आवश्यकता पड़े तो मेडिसिन का सहारा ज़रूर लें। ओके सर, जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई इस ज्वाइंट के बारे में, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रिकॉशन के तौर पर अगर हमें अपनाना चाहिए जिससे ये समस्या हमारे साथ में दोबारा ना हो और आगे ना हो, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? वाइड माउथ ओपनिंग से परहेज करना है, बड़ा मुँह नहीं खोलना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। हार्ड सब्सटेंसेस नहीं चबाना है। ठीक है। च्युइंगम जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही परहेज करना है, ज़्यादा चबाना नहीं है, च्युइंगम का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, लेकिन आदत होती है भाई, मुंह से बदबू आ रही है तो उसे हम खा लेते हैं। मुंह से बदबू आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट हाइजीन मेंटेन करना है, ब्रशिंग प्रॉपर करना है, वो समस्या दूर हो जाएगी। ओके, लगातार चबाते नहीं रहना है, दांतों की ग्राइंडिंग नहीं करना है, दांतों को क्लिंचिंग नहीं करना है, भींच के नहीं रखना है, जब आप फ्री हों तो होंठों को मिलाए रहें, दांतों को आपस में रगड़ना, इसके जरिए दांतों में दोबारा जॉइंट में दोबारा से पेन नहीं होगा और कंफर्ट ज़्यादा महसूस होगा। अच्छा, माउथ फ्रेशर के तौर पर गुटखा खा लेते हैं, मुंह में रखे हैं तो वो गुटखा तो वैसे ही केमिकल पता नहीं क्या क्या होते हैं, पूरे माउथ के लिए दिक्कत है,
माउथ फ्रेशनेस चाहते हैं तो माउथ वाश का इस्तेमाल करेंगे, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें, इलायची खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, जो आपकी सेहत को भी फ़ायदा देगी और माउथ में फ्रेशनेस भी महसूस होगी। ओके, तो कुल मिलाकर ये अगर समस्या है तो इसका हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक डेंटल सर्जन को दिखाना चाहिए। डेंटल सर्जन दिखाएं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो आपके फेस में, गर्दन में, सर में दर्द होने की समस्या बनी रहेगी। खाने चबाने में तो समस्या होगी ही, इसलिए। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी तो आपके दांत खींच भी सकते हैं, जब दांत घिसने लगते हैं परमानेंटली दांतों में, और फेस में दर्द होने की समस्या बनी रहती है। तो कुल मिलाकर अगर ये समस्या है तो किसी को भी, तो उनको तुरंत एक अच्छे डेंटल सर्जन से मिलना चाहिए और वहाँ पर जाकर इसका जो भी उचित उपचार है वो लेना चाहिए। आई थिंक सो कि इसमें जहाँ पर ये जॉ फंस जाता है, इसमें आवाज़ आती है, तो ये बहुत आसानी से भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका निदान ना हो, अपने आप ही खत्म हो जाती है। जब कुछ प्रिकॉशन रखेंगे तो जल्दी ही समस्या से निजात पा लेंगे। अगर मुंह कम खुल भी रहा है तो कोई ऐसी भारी समस्या नहीं है। खाना खाने में नॉर्मल सी आ जाएगी, थोड़ा धैर्य से और समझ के चीज़ों को करना पड़ेगा। और अगर इसका प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये मेडिकल में भी कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू सो मच सर अगेन आपका, कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। बाय।